नमस्कार। जय हिंद प्यारे देश के समस्त युवा साथी। मेरे देश के ऐसे समस्त युवा साथी जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स का फेज़ वन क्लियर किया है और अब फेज़ टू में बैठने वाले हैं, यानी कि जिसमें कि आपका पहले फिजिकल होगा और फिर उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी खास बातें जिनके बारे में हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है कि ग्रुप डिस्कशन में हमको कैसे परफॉर्म करना है। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्यारे बच्चों, अगर हम फेज़ टू की बात करें तो सबसे पहले आपको एक मेंटलिटी बनानी होगी अपनी, इस प्रकार का अपने दिमाग में एक पॉजिटिविटी बैठानी पड़ेगी आपको कि अब मैं जब फेज़ टू के लिए जा रहा हूँ, ये तो ओबियसली है कि आपने फ़िज़िकल को अपने को बहुत अच्छे से मजबूत कर लिया होगा और फिज़िकल तो आप फिट होंगे ही, क्योंकि ईजी वे में आप एक महीने में अपने आप को अच्छे से परफॉर्म कर पाए होंगे ग्राउंड में। प्यारे बच्चों, अगर हम फिज़िकल के बाद में, पहले SRT हुआ करता था, SRT आपका ख़त्म हुआ, वैसे भी उसका कोई बहुत बड़ा रोल हुआ नहीं करता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ग्रुप डिस्कशन की। तो बेटा देखो, ग्रुप डिस्कशन में आपको जो मेनली फोकस करना है सबसे पहले, वो है जितना हमने अब तक सीखा, जितना हमने अब तक प्रैक्टिस किया लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, या फिर जहाँ भी आपने कोचिंग ली होगी, वो काफ़ी आपके लिए पर्याप्त रहा। अब जो बारी आती है बेटा, अब आती है उन पहलुओं को जानने की जिनकी वजह से हम कई बार इंडियन एयरफोर्स के फेज़ टू में फेल हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात सदैव याद रखना, जब भी कभी हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हों या ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहे हों, इवन हम कभी भी किसी भी चार व्यक्तियों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहे हों, तो वहाँ भी हमको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन कोई अपने आप में बहुत बड़ा स्पेशल ऐसा कोई इंटरव्यू है नहीं, आपका SSB है नहीं, जिस चीज़ को लेकर के हमारे मन में बहुत ज़्यादा जो एक फियर है वो सस्टेन बना रहता है। हम करते क्या है कि हमारे दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि ग्रुप डिस्कशन। प्यारे बच्चों, जब से ये यूट्यूब की दुनिया आई है, तब से ग्रुप डिस्कशन का नाम सुन के लड़कों को इस तरीके से लोग भयभीत कर देते हैं, उनको यहाँ तक लालच देते हैं कि मैं आपको थोड़े बहुत पैसे लेने देने के चक्कर में कि आपको मैं पास करा दूँगा। प्यारे बच्चों, ग्रुप डिस्कशन से आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं आपको सबसे पहले इतना बता देता हूँ बेटा, ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, वो भी बिल्कुल मत घबराइए। मैंने अपने जीवन में पिछले 8 सालों में एक ही चीज़ सीखी है कि ग्रुप डिस्कशन में जब बच्चा जाता है तो ये मायने नहीं रखता कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। इंग्लिश फ्लुएंसी का बहुत ज़्यादा महत्व मेरे बच्चों नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है ग्रुप डिस्कशन में, वो होता है बच्चे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने अंदर जो एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो हमारे अंदर है या नहीं है, हमारी लिसनिंग जो एबिलिटी है, यानी कि हम दूसरों को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, वो हमारे अंदर एक खास बात होनी चाहिए। और जहाँ तक हम बात करें इंग्लिश कम्युनिकेशन की, प्यारे बच्चों, आप ऐसे अपने सफल मित्रों से कभी बातचीत करके देखिए कि जब आपने ग्रुप डिस्कशन किया था, क्या सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से इंग्लिश फ्लुएंट बोल रहे थे, या फिर उनसे ये पूछिए कि आपके बैच में जो बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस थे वो फेल हुए, या लड़के बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोले वो पास हुए, उनसे एक रेशो लीजिए, उनसे एक जानकारी लीजिए, तो आपको पता चलेगा। वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे लड़के भी ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाई थे जिन्होंने बहुत कम बोला, लेकिन उनके बोलने का एक लहजा था। जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब वो बोल रहे थे, तो बोलने में ऐसा लगता था कि जैसे कि इनके अंदर कितनी बड़ी समझदारी हो। वो जो समझदारी वाला शब्द होता है, इस खेल को अगर आप समझ गए मेरे बच्चों, तो आप यकीन मानिए ग्रुप डिस्कशन आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ तक हम बात करते हैं, हमारे जहन में जो ये शब्द आता है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग एक माध्यम है हमारा, ना कि आपकी एक ब्रिलियंसी को चेक नहीं किया जाता है, ये केवल एक माध्यम है। तो प्यारे बच्चों, ग्रुप डिस्कशन में जो सबसे अहम पॉइंट है वो है हमारे पास में कॉन्फिडेंस। हमें कॉन्फिडेंस के साथ में रहना है। जैसे ही हम एंटर करते हैं उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन होना है, सबसे पहले दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत कमज़ोर है, या फिर मैं बहुत अच्छे से कैसे बोलूँगा। मैंने ऐसे अपने जीवन में कितने सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिन्होंने आकर के कहा कि सर मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं ग्रुप डिस्कशन से बाहर निकला तो पता चला कि ग्रुप डिस्कशन वास्तव में कुछ नहीं है, केवल और केवल एक डर का माहौल बनाया हुआ है यूट्यूब के माध्यम से।
तो प्यारे देश के समस्त युवा साथियों, आप जितने भी ऐसे टीचर्स से मिलोगे जो अपने आप में वाकई में एक टीचर की अहम भूमिका निभाते हैं या टीचर की योग्यता को जानते हैं, समझते हैं, टीचर की योग्यता रखते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ग्रुप डिस्कशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो यूट्यूब पर दुनिया भर के ऐसे हैं जो केवल और केवल दिन रात एक ही चीज़ तुम्हारे दिमाग में थोपेंगे कि ग्रुप डिस्कशन बहुत बड़ी बला है, ग्रुप डिस्कशन के लिए आप ये करिए और वो करिए, ऐसे करिए वैसे करिए। जबकि सच्चाई ये है, ग्रुप डिस्कशन में वास्तव में अपने आप को केवल रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने का जो हमारा तरीका होता है प्यारे बच्चों, वो सिंपल सा है। जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएं तो आपके बैठने का जो पोजीशन है, पोजीशन एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्ट्रिक्ट में इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अलर्ट ही बैठे हों, मतलब एक आप बिल्कुल ही सहजता के साथ में बैठे हुए हों। सहजता से आप बैठे हुए हों, सामने वाला जब बोल रहा हो उसकी तरफ आप नोडिंग भी करते रहें, लगना चाहिए देखने वाले को कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं। और उसके साथ में आप सबसे बड़ा एक जो बहम है वो बच्चों के बीच में जो पैदा किया जाता है कि जो ज़्यादा ज़ोर से बोलेगा, जो ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलेगा, जो बहुत पहले बोलेगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन के लिए। बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, ग्रुप डिस्कशन में आप जाते हैं डिसिप्लिन के साथ में रहिए, आई कॉन्टैक्ट सबके साथ में बनाइए। जब आप अपनी चार लाइन बोल रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, इंट्रोडक्शन के बाद में जब आप अपनी चार लाइन बोल रहे हैं, दो लाइन बोल रहे हैं, दो लाइन बोलने के भी बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे पर ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि मैं बहुत कम बोला हूँ। ऐसा लगना चाहिए आप जब ग्रुप में बोलें कि सामने वाले ने बड़ी समझदारी की बातें की हैं, चाहे वो बातें बिल्कुल ही आपने एकदम से कॉमन बातें रखी हों ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन आपके बोलने का लहजा और बोलने के बाद की जो आपके रिएक्शन है वो ऐसा होना चाहिए, देखने वाले को प्रभावित करे कि वाकई में बंदे ने जो बात रखी है बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में रखी हैं। सबसे जो अहम मुद्दा आता है बच्चों के पास में वो यही होता है कि ग्रुप डिस्कशन में अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखना है, एकदम जेन्युइन रखना है, आर्टिफिशियल अपने आप को बिल्कुल नहीं रखना है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है बेटा, अपने बारे में जो अपनी स्किल्स हैं, जो अपनी योग्यताएँ हैं उनको बताइए, लेकिन कोई भी बात ऐसी ना बताएं जो आपको बढ़ चढ़ कर साबित करे। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करें। ग्रुप डिस्कशन के जब माहौल में आप बैठ जाएं और ऐसा माहौल लगे, आपको ऐसे माहौल में फंस जाएं कि यार यहाँ तो सभी बहुत तेज़ तेज़ फर्रांटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं कि मेरा क्या होगा, अगर ये शब्द आप अपने दिमाग में ले आए कि मेरा क्या होगा, तो बच्चों फिर आपका फेल होना निश्चित है। लेकिन ग्रुप डिस्कशन में कैसा भी माहौल हो, कैसे भी आप ग्रुप डिस्कशन में जितने भी एस्पिरेंट्स हों उनके बीच में आप हों, कितने भी अच्छे स्पीकर हों, लेकिन अपने आप को नर्वस नहीं होने देना है। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, सिंपली आपको बिल्कुल ऐसे बैठे रहना है जैसे कि आपको कोई टेंशन है नहीं, बिल्कुल भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको बोलने का मौका आए, आपको लगता है कि मेरे पास नहीं है, तो आप सिंपली शब्दों में कह सकते हैं यू मे नेक्स्ट प्लीज़, तो आप अपनी दोबारा से इंतज़ार करें। जो बच्चे बहुत कम बोलते हैं वो बच्चे ध्यान रखें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोलने की कोशिश ना करें, अपने आप को बना के रखें, अपने आप को धैर्यपूर्वक संभाल के रखें। जब कभी आपको पॉइंट्स आपके दिमाग में औरों से सुन करके या कैसे भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आते हैं तब उनको आप बोलिए, लेकिन आपको डरना बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारे दिमाग में एक जहन में बात बैठी हुई होती है कि बहुत अच्छे जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं उन्हीं का शायद सिलेक्शन होता है, ये बात आपने अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कितने सारे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग का बिल्कुल भी जिनको नॉलेज नहीं होता था, लेकिन 10-10 दिन में ही वो जा करके ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई करके आज बच्चे इंडियन एयरफोर्स में जॉब कर रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी लीडरशिप। कॉन्फिडेंस और लीडरशिप के बीच में एक तालमेल बैठाइए। कॉन्फिडेंस हमारा वो है कि जब हम बैठे हुए हैं तो ये लगना चाहिए कि हाँ हम बैठे हुए हैं, हमारी उपस्थिति दर्ज है। और लीडरशिप की खास बात ये होती है आप डिसीजन मेकिंग होने चाहिए। जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो आप उसके साथ में उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करना वर्ड्स से नहीं है, आपको शब्दों से ही अप्रिशिएट नहीं करना है, आप अपनी जो फेस एक्सप्रेशंस हैं उनके जरिए भी बता सकते हैं यस, ये इस तरीके से आप अपने फेस रिएक्शंस भी बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ग्रुप डिस्कशन में बस आपको ये बातें ध्यान रखनी है
कि जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाएं तो डरना बिल्कुल नहीं है, और ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे बहुत ज़्यादा देर तक इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। जब भी आप 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन जितनी भी आप बोलें, बड़े ही इत्मीनान और तसल्ली के साथ बोलें। लोगों पर ना जाएँ कि लोग इतनी तेज़ तेज़ बोल रहे हैं, क्या मैं भी ऐसे तेज़ बोलूँ? नहीं, आपको बहुत ही कॉन्स्टेंट होकर के एकदम पोलाइट वे में अपनी बातों को रखना है। बाकी ग्रुप डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से अभी भी वीडियोस शायद आने में लेट सेट हैं, और दोबारा से आपको कुछ और ख़ास बातें अच्छे तरीके से प्रेषित करके देंगे। थैंक यू। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।